नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र का दौर चल रहा है, ऐसे में सभी नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसी बीच जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी का सत्ता जाने की वजह से मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने कोइलवर में मानसिक अस्पताल इन्हीं लोगों के लिए बनवाया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं संजीव कुमार इस वीडियो में। जो भी ये बात बोल रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, वो खुद मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखते हैं। उनका क्रियाकलाप देखेंगे विधानसभा के अंदर भी तो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं वैसे लोग। उनको कोई राइट नहीं है बोलने का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के दशा और दिशा 17 साल में दोनों बदल दिए हैं और उनकी दूरदर्शिता को केंद्र सरकार लागू करती है। नीतीश मॉडल केंद्र सरकार लागू कर रही है और वो अपने प्रधानमंत्री से आदरणीय पूछना चाहिए कि जो बिहार में लागू होता है कॉपी करके वहाँ आप लागू करते हैं। इनको अपने जुबान पर लगाम लगा के रखना चाहिए, ये बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। फिर वो अपना हेल्थ कार्ड जारी करें, कोई जरूरत ही नहीं है। जो दिखता है सब लोगों को ये बकवास कर रहे हैं। ये लोग खुद मानसिक रूप से सब लोग अस्वस्थ हो चुके हैं। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इन्हीं लोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कोइलवर में 272 बेड का मानसिक आरोग्यशाला बनाया गया है। इन्हीं लोग के लिए इन लोगों को वहीं पे भर्ती कराया जाएगा जल्दी। नीतीश कुमार का भी नाम उसमें शामिल था लेकिन वो वहाँ नहीं गए। क्या भाई, अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे विधानसभा का सत्र चल रहा है तो ये माननीय मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे एट ए टाइम? पहले यहाँ सत्र चल रहा है, उसके बाद जाया जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हेल्थ पे जो सवाल खड़ा किया गया है, क्या संदेश देने की कोशिश हुई है? क्योंकि बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री के ऊपर। अरे ये सब क्या सवाल करेंगे? ये सब खुद मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इन लोगों के लिए तो हम लोगों ने आरोग्यशाला भी बना दिया है, वहीं पे इन लोगों को एडमिट कराएंगे कोइलवर में। उन्हीं के लायक हैं ये सब। क्यों बौखला गए हैं सर? सत्ता जाने के लिए? सत्ता जाने से बौखला गए हैं, सिंपल है। पहले सिंहासन पे बैठते थे, अब रोड पे बैठ रहे हैं। आग तो लगेगा ही सर।